हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के एंड्रॉयड 11 एंड वन यू 3.1 अपडेट के बारे में। यहाँ पे सैमसंग ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे सैमसंग के अपने कौन कौन से सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉयड 11 एंड वन यू 3.1 का अपडेट देने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको मोबाइल से अपडेट रिलेटेड वीडियो देखना है, कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सैमसंग के यहाँ पे कौन से स्मार्टफोन है जिनके अंदर यहाँ पे एंड्रॉयड 11 एंड वन यू 3.1 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 4G एंड 5G और सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2, सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज, गैलेक्सी फोल्ड और गैलेक्सी A71, गैलेक्सी A51, गैलेक्सी A90 और गैलेक्सी A80 और गैलेक्सी A70 और गैलेक्सी A50। दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे लिस्ट मैं अभी बताया हूँ आपके सामने, जो यहाँ पे लिस्ट रखा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है इनके अंदर आपको 3.1 का एंड्रॉयड 11 अपडेट देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द, मतलब फ्यूचर में बहुत ही जल्द यहाँ पे मिलता रहेगा। मतलब आपको पता ही, यहाँ पे सैमसंग ने अपने सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर भी यहाँ पे एंड्रॉयड 11 एंड वन यू 3 का अपडेट देना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे स्मार्टफोन है जिनको यहाँ पे दे भी दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको ये जो स्मार्टफोन मैं आप बताया हूँ आपको यहाँ पे इनके अंदर भी आपको एंड्रॉयड 11 एन वन या 3.0 के मुकाबले यहाँ पे एंड्रॉयड 11 एन वन या 3.1 का अपडेट देने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड नहीं सैमसंग के यूज़र के लिए। दोस्तों ऐसा ही कोई सा भी आपको अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।